वक्त हमारे साथ है स्वर्गीय जय नारायण सिंह के पुत्र प्रदीप नारायण जी। आइए जानते हैं इनसे कि राज परिवार के होते हुए भी जय बाबूजी का व्यक्तित्व कैसा था। बहुत ही साधारण व्यक्तित्व था और हमारे बाबा जी स्वर्गीय श्री रविन्द्र नारायण सिंह जी की मृत्यु जब वो हमारे पिताजी करीब 7 वर्ष के थे उसी समय हो गई थी, तो बाबा जी की का साया भी उनके ऊपर से उठ गया था। लेकिन बहुत ही सिंपल व्यक्तित्व, ऑनेस्ट और मूल्यों के व्यक्तित्व। प्रदीप जी, मैं जानना चाहूंगी कि वो जनसंघ के वरिष्ठ नेता थे, तो अपने कार्यकाल में उन्होंने अपना कार्य में कैसे योगदान दिया। काफी सुनने में आया कि वो कार्यकर्ताओं के बहुत नजदीक से, तो आप उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे। मैं बचपन से देखता था, वो साइकिल से ही चलते थे और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में थे। आदरणीय हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी चाचा जी उनसे वरिष्ठ थे, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, ये सारे लोग उस समय के मतलब जनसंघ के एक तरीके के संस्थापक सदस्यों में थे। और 1967 में उनको सभासद वार्ड नंबर 19 शायद जगतगंज से हुआ था और उन्होंने ऐतिहासिक विजय हासिल की थी और बड़े लोकप्रिय थे सभी कार्यकर्ताओं में। प्रदीप जी, जैसे कि आज वो सुनने में आता है कि किसी तालाब को पाट के करोड़ों लाखों रुपए की लोग जमीन बनाते हैं, वैसे जय बाबू जी ने कई तालाबों और पोखरों का जीर्णोद्धार किया था, तो इसके बारे में आपका क्या कहना। जो हमारे ग्रैंडफादर थे कविंद नारायण सिंह, उन्होंने 50 मोचन तालाब के जीर्णोद्धार के विषय में एक अपील की थी कि सारे काशीजन लोग आए और ये तालाब जो है जो ख़राब हो रहा है जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, एक आह्वान किया था कि लोग आके उसका जीर्णोद्धार। प्रदीप जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि वंशावली जो राज परिवार की वंशावली थी वो किस कहाँ से शुरू हुई है और आपका रामनगर से और जगतगंज के राज परिवार से क्या संबंध है। देखिए, रामनगर काशी राज परिवार का ही एक अंश जो है जगतगंज है और जैसे वो बड़े हुए, बड़े भाई हुए तो वो रूलर हुए और हम लोग छोटे हुए तो जगतगंज हुए। तो मैं 12वीं पीढ़ी हूँ और मेरे बच्चे 13वीं और मेरा ग्रैंडसन 14वीं पीढ़ी है। तो हम लोग ब्राह्मण गौतम गोत्री भूमिहार ब्राह्मण के 14वीं पीढ़ी आज है वर्तमान में काशी से। और रामनगर काशी राजवंशावली का ही अंश जगतगंज है और ये स्टार्ट हुआ श्री कृष्ण मिश्र, पहले गौतम गोत्री भूमिहार ब्राह्मण, उनके लड़के हुए श्री राम शर्मा जी, फिर उनके लड़के हुए राजा मनोरंजन सिंह। मनोरंजन सिंह के 4 पुत्र थे, राजा मनसाराम जो बड़े थे, दशाराम जी, दयाराम जी और मायाराम जी। तो राजा मनसाराम जी से जनरेशन चला रामनगर का और दशाराम जी से जनरेशन चला जगतगंज का। तो शिवलाल जी के लड़के श्री जगत नारायण सिंह हुए और जगत सिंह के नाम पे ही जगतगंज नाम पड़ा। फिर जगत सिंह के लड़के श्री लक्ष्मी नारायण सिंह, इनके 3 लड़के थे राम नारायण, रामेश्वर जी एंड श्री लक्ष्मी नारायण सिंह। तो ये 2 इशूलेस थे, लक्ष्मी नारायण सिंह वाला जनरेशन चला। फिर लक्ष्मी नारायण सिंह जी के लड़के हुए श्री फतेह नारायण सिंह जी और फतेह नारायण सिंह के भी 3 लड़के थे, ऐश्वर्य नारायण सिंह, ईश नारायण सिंह एंड इंद्र नारायण सिंह। तो इसमें भी एक व्यक्ति से वो जनरेशन चला, हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर श्री इंद्र नारायण सिंह, उनके 3 लड़के हुए राय बहादुर कविंद नारायण सिंह, रविंद्र नारायण सिंह एंड पविंद्र नारायण सिंह। तो ये 3ों जनरेशन चली, अभी वर्तमान में भी चल रही है। और हम श्री रविंद्र नारायण सिंह जी हमारे ग्रैंडफादर हुए, हमारे बाबा हुए, और श्री रविंद्र नारायण सिंह के पुत्र श्री जय नारायण सिंह मेरे पिताजी, फिर मैं प्रदीप नारायण सिंह,
फिर मेरे दो बच्चे हैं वैभव नारायण सिंह कुशाग नारायण सिंह और मेरा ग्रैंडसन वैभव करोल का अद्वैत नारायण सिंह। प्रदीप जी, जैसे आपने अभी जगतगंज के राजवंश के बारे में बताया, तो मैं ऐसे रामनगर के राजवंश की जानना चाहूँगी, किस तरह से उनकी जनरेशन। जगतगंज एंड रामनगर एक ही फैमिली थी। राजा प्रभु नारायण सिंह जी के समय आदित्य नारायण सिंह जी के उनके लड़के तक सारी जगतगंज की फैमिली वहाँ जाके स्टे करती थी। रामनगर की फैमिली यहाँ आके स्टे करती थी। आदित्य नारायण सिंह जी की बचपन की गार्जियनशिप करने के लिए हमारे जो बाबा जी थे राय बहादुर कविंद नारायण सिंह, क्योंकि जगतगंज एक शिक्षा का केंद्र भी था, वहाँ संस्कृत की पाठशाला चलती थी जहाँ प्रकांड विद्वान शिक्षा देते थे और संस्कृत पढ़ने के लिए बालक रहते थे, उनके सारे खाने पीने की व्यवस्था जगतगंज परिवार से होती थी। तो श्री आदित्य नारायण सिंह जी की गार्जियनशिप भी राय बहादुर कविंद नारायण सिंह यहाँ हुई। तो वर्तमान में जो हैं कुंवर जी, वो किस वंशावली से आते हैं और उसके पहले जो प्रभु नारायण सिंह, वो किस वंशावली के हैं? ये प्रभु नारायण सिंह जी तो रामनगर वंशावली के चले आ रहे हैं, और जो आदरणीय विभूति नारायण सिंह जो रामनगर वंशावली है उसके नहीं थे, ये मऊ के थे। और चूँकि राजा आदित्य नारायण सिंह जी को कोई पुत्र नहीं था और शूलेस थे, तो इसलिए इन्होंने एडॉप्शन किया था श्री विभूति नारायण सिंह जी को, जो कि मऊ से थे, शायद उनके साले साहब के ये सुपुत्र थे। तो जगतगंज ने इसका पुरजोर विरोध भी किया था। अब मैं तो उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन जो पिताजी से या हमको दादी से या बनारस के और लोगों से जो जानकारियाँ मिलती हैं वो यही मिलती हैं कि उस समय चूँकि ऐसी वसीयत थी प्रभु नारायण सिंह जी की कि अगर कभी जगतगंज रामनगर ईशूलेस हुआ तो जगतगंज रूल करेगा, तो उसका जगतगंज की ओर से ऑब्जेक्शन हुआ था, हमारे राय बहादुर कविंद नारायण सिंह ने किया था कि आप एडॉप्ट नहीं कर सकते। प्रदीप जी, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। मैं जैसे देख सकती हूँ कि ऊपर आपने सभी अपने परदादा और दादाओं की फोटो लगाई है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी। अब आप देखें, जैसे हमारे पीछे हैं हमारे पूर्वज श्री फतेह नारायण सिंह जी, और यहीं तक की फ़ोटो हमारे पास उपलब्ध है, इसके ऊपर के पांच जनरेशन की फ़ोटो नहीं है हमारे पास उपलब्ध। तो श्री फतेह नारायण सिंह जी ने जो वाराणसी है संस्कृत यूनिवर्सिटी और क्वींस कॉलेज, एक्चुअली में वही वाराणसी है संस्कृत यूनिवर्सिटी ही क्वींस कॉलेज था, तो बाद में वो वाराणसी संस्कृत यूनिवर्सिटी हुई और क्वींस कॉलेज यहाँ शिफ्ट हुआ। पुराना नाम उसका क्वींस कॉलेज ही था, वहीं चलता था वो क्वींस कॉलेज। तो ये दोनों भूमि जो है, हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने शिक्षा के लिए डोनेट की थी। हमारे ग्रैंडफादर हुए आदरणीय श्री इंद्र नारायण सिंह, ये हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर हुए आदरणीय फतेह नारायण सिंह जी, जिन्होंने क्वींस कॉलेज एंड संस्कृत यूनिवर्सिटी की भूमि दान में दी है। ये ऐश्वर्य नारायण सिंह हुए, ये आदरणीय नारायण सिंह के भाई हुए, इनकी शादी जो है बेतिया स्टेट बिहार में हुई थी। इसमें जगतगंज राज परिवार और हल्दी स्टेट के सारे लोगों का है उसमें है। हरदीता जी हुए श्री जय नारायण सिंह, जिनका स्वर्गवास हुआ है अभी। ये हमारी माँ है स्वर्गीय कुसुम लता देवी, ये संपूर्ण जगतगंज की ग्रुपिंग है। तो इसमें रविंद्र नारायण सिंह, कविंद नारायण सिंह, पविंद नारायण सिंह, और नीचे ये तीनों भाई बैठे हुए हैं। हमारे फादर जो है एक्सट्रीम राइट बैठे हुए हैं। ये हमारी ग्रेट ग्रैंड मदर है देवकी कुंवर जी, और हमारी मदर है कुसुम लता देवी। ये है, ये हमारी ग्रैंड मदर हुई श्रीमती गिरजा देवी।
एक्सट्रीम लेफ्ट जो है श्री रविंद्र नारायण सिंह हमारे ग्रैंडफादर हुए, राय बहादुर कविंद नारायण सिंह हमारे ग्रैंडफादर हुए, मतलब तीनों, और पविन नारायण सिंह भी ग्रैंडफादर हुए। प्रदीप जी, आपके पिताजी जैसे कि बहुत ही सामाजिक और जमीन से जुड़े व्यक्ति, तो आपने उनसे क्या सीखा? मैंने उनसे सादगी सीखी है, और यही है कि कोई पद कुछ भी नहीं होता है, और मैं कार्यकर्ता के रूप में रहना ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से, और निष्ठापूर्वक जिस भी विचारधारा का रहे उसके लिए कार्य करना, ये मुझे पसंद है। भले ही जय बाबू जी का स्वर्गवास हो गया हो, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी लोगों के मन में जीवन भर स्मरणीय रहेगा, तो ये कहना कहीं से गलत नहीं है कि इतने जमीनी और समर्पित कार्यकर्ताओं के चलते ही भाजपा आज इतनी ऊंचाइयों पर है। पूजा कपूर, क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज, वाराणसी। भले ही जय बाबू जी का स्वर्गवास हो गया हो, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी लोगों के मन में जीवन भर स्मरणीय रहेगा, तो ये कहना कहीं से गलत नहीं है कि इतने जमीनी और समर्पित कार्यकर्ताओं के चलते ही भाजपा आज इतनी ऊंचाइयों पर है। पूजा कपूर, क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज, वाराणसी। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।